हेलो गाइस, कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। आज हम बनाने जा रहे हैं बटर केक। ये जो आपने मार्केट में ब्रिटानिया केक खाया होगा टूटी फ्रूटी, सेम वही रेसिपी है। और मैं आपको बेसिक रेसिपी सिखाऊंगा प्लेन, बाकी आप उसमें चाहे तो उसमें आप टूटी फ्रूटी ऐड कर सकते हैं, आलमंड, पिस्ता, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, उसको मार्बल केक भी बना सकते हैं। तो बेसिक रेसिपी की हम बात कर रहे हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी मेरी मदद होगी। जब मेरी मदद होगी तो मैं भी आपकी मदद अच्छे से कर पाऊँगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा और फासला रह गया है और कुछ दिनों के बाद मोनेटाइज हो जाएगा मेरा चैनल, तो मेरी भी हेल्प होने लगेगी, तो फिर मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आने लगूँगा। और सॉरी उसके लिए कि क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो लेके आता हूँ, क्योंकि आपको पता ही है काम थोड़ा बढ़ चुका है। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं अपना बटर केक बनाना। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये हमने लिया है हमारा बटर, 200 ग्राम सॉफ्ट बटर है, और ये है पाउडर शुगर, ठीक है जी। आइसिंग शुगर मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, पाउडर शुगर मतलब आप जो नॉर्मल शुगर होती है उसको भी पीस के आप यूज़ कर सकते हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको जो अंडे डालने हैं इसमें एक एक करके ही अंडे डालने हैं, एक साथ आप अंडे इसमें ना डालें, नहीं तो आपका जो बैटर बन रहा है वो फट जाएगा, कर्डल हो जाएगा, ठीक है। और अंडों का और जो बटर का टेम्परेचर है वो नॉर्मल ही रहना चाहिए, मतलब एक रहना चाहिए, ताकि मिक्स करते वक्त आपको प्रॉब्लम भी ना हो। आप चाहे तो इसमें मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मशीन में आपको पैडल यूज़ करना है, उसमें विस्क नहीं लगाना। और दूसरा, एक नंबर पे ही आप इसे मिक्स करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपने स्पीड ज़्यादा करी तो बैटर आपका फिर फट जाएगा। तो हमने इसमें अंडे डाले हैं 4, और एक एक करके, ठीक है जी। और ये आ गया हमारा वनीला सिरप, और ये आ गई अब हमारी मैदा और बेकिंग पाउडर। तो इसको भी विस्क की हेल्प से हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और चला लेंगे, नहीं तो आप स्पैचुला की हेल्प से भी इसको फोल्ड कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम दबी होती है जब बहुत बड़ी रेसिपी आप बड़ी मशीन में बनाते हैं, तब उस टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, छोटी रेसिपी में कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये ले लिया हमने पैन, इसको हमने ग्रीस किया अच्छी तरीके से, उसके बाद लगा दिया इसमें बटर पेपर, ताकि ये जो है हमारा बैटर वो इसमें चिपके नहीं। आप चाहे तो इस मिक्सचर के अंदर ना, जैसे मैंने आपको बताया था, टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, नट्स डाल सकते हैं, ऑरेंज का जेस्ट डाल सकते हैं, लेमन का जेस्ट डाल सकते हैं, तो ये फ्लेवर बहुत सारे बन जाएंगे। आप इसका हाफ मिक्सचर ले लें और उसमें कोको पाउडर मिलाएं, और उसके बाद आप इसको मार्बल केक भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 170 डिग्री पे मैंने इसको बेक किया है 45 मिनट के लिए। आपके ओवन में टाइम कम या ज़्यादा लग सकता है, चेक करने के लिए आपको पता ही है टूथपिक से हम चेक करेंगे। और ठंडा होने के बाद हमने इसे अब निकाल लिया है, तो देख लीजिए आपके सामने तैयार है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बटर केक। चाय के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।